आइए DRI के बारे में जानकारी आपको लेते हैं। ट्रेनिंग में लड़के लोग बोलते हैं कि फील्ड का काम कर लेते हैं, लेकिन कंट्रोल रूम के काम बिल्कुल नहीं जान पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा वैसा बोलते हैं, फार बाहर में जितना भी काम करवा दीजिए हम सब जान देते हैं। आपको थोड़ा 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 हिंट आपको दे देते हैं, आप जानिए। आइए हम PLC के बारे में बताते हैं। CRO कैसे, CRO कैसे, क्या ऑपरेट क्या काम करता है, उसकी जानकारी बताते हैं। आप ये देखिए, KMD है, स्लैब है, सेलर फैन है, लोब है, कूलर है, सीवी फैन, आईडी फैन है। अब क्या है, ये है आपका मास्टर KMD है, आप जो यहाँ से भी चालू कर सकते हैं आप यहाँ भी चालू कर सकते हैं। सेलर फैन है, जो ऊपर में लिखा हुआ वही है। आपका जो ऑयल पंप है, जब तक ऑयल पंप नहीं चालू कीजिएगा, ऑयल पंप वन ए मास्टर वो ए ऑयल पंप वन है, टू है, थ्री है, जो आपको चालू करना है, जो आपका क्लियरेंस मिले है आपको, तो वन ऑयल पंप अभी जो चल रहा है अभी वन चालू करवा देते हैं। वन चालू कीजिएगा, उसके बाद मास्टर को चालू कीजिएगा, आप उसके बाद KMD के पास चालू कीजिएगा, तब चल ही पाएगा। ना तो आप डायरेक्ट KMD के पास चालू करेंगे तो आपको 2-1 मिनट के बाद आपको KMD टिप मार देगा, ठीक है। ये ट्रेनिंग वाले और ये CRO के लिए हल्का बता दे रहे हैं कि बोल देते हैं कि हम पूरा फील्ड में जो काम करवाना है करवाइए, लेकिन अंदर के काम नहीं हो पाता है। ये हो गया। अब किलन होल्ड लेना है तो ये आपका KMD को 250 या 300 कर दीजिए। सेलर फैन को 700-800 के रेंज में रख दीजिए। आईडी फैन को जस्ट आपका 600 आसपास में चलता है, कि हमने जब 540-550-600 आसपास में चलेगा तो आपको 250-300 में आप KMD को कर दीजिए। प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पॉइंट लग कभी भी होल्ड लेते हैं, प्रेशर पॉइंट कम से कम 0.35 से लेकर 0.4 तक ही प्रेशर होल्ड में ही रखा जाता है। ये बेसिक जानकारी है।